अब गाजा में इजरायली सेना ने ऑपरेशन टनल शुरू किया है। इजरायली फोर्स ने गाजा में घुसकर हमास की सुरंगों पर तोप के गोले दागने शुरू कर दिए हैं। गाजा में अब तक 8,525 लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग 3,500 बच्चे शामिल हैं। लेकिन अब बारी गाजा के सुरंगों में छिपे हुए हमास के आतंकियों की है। इजरायली सेना एक साथ दो काम कर रही है। पहला तो ये कि जमीनी आक्रमण करके वो अपने बंधकों को छुड़ा रही है, दूसरी सुरंगों में हमास के आतंकियों का इनकाउंटर कर रही है। इस वक्त गाजा के हालात ये हैं कि उत्तरी इलाके में इजरायली सेना के जवान और उनके टैंक्स बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं हमास के आतंकियों को उनकी सुरंगों में ही दफन करने का पूरा इजरायली प्लान। हमास के अंत का काउंटडाउन शुरू, क्योंकि हमास की सुरंग तक पहुंच गई इजरायल की फोर्स। हमास की सुरंगों पर इजरायल ने बरसाए तोप के गोले। इजरायल का अल्टीमेटम, हमास को मार कर लेंगे दम। अब शुरू हो गया है इजरायली फोर्स का ऑपरेशन टनल। पहली तस्वीर में आप देखिए इजरायली फोर्स ऑटोमेटिक वेपन के साथ गाजा बॉर्डर के उत्तरी बॉर्डर से अंदर घुस रही है। पीठ पर गोलियों से भरे बैग, ये सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते आगे बढ़ते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें आपको इजरायली सेना के बुलडोजर नजर आएंगे, जो रास्ता बनाते हुए आगे सेना को ले चलते हैं। तीसरी तस्वीर में नजर आता है बुलडोजर के जरिए तैयार किए गए रास्ते पर इजरायली सेना के मरकवा टैंक हमास पर कहर ढाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं गाजा के भीतर इजरायली एयर स्ट्राइक से तबाह हुई इमारतें और गाजा के दाखिल होते सैनिक। और ये पांचवी तस्वीर, इसमें आपको गाजा में मलबे पर चढ़कर आगे बढ़ते टैंक दिखेंगे। ये छठी तस्वीर है, जिसमें आपको एक इजरायली सोल्जर कमरे नुमा जगह को बंकर में तब्दील करते हुए देखता है, और इसके बाद गाजा में हमास की सुरंगों पर अटैक शुरू होता है। IDF की तरफ से हमलों में बहुत तेजी आ रही है। गाजा पट्टी के भीतर दाखिल होने के बाद एक तीन तरफ की रणनीति उनके समझ में आ रही है, जिसके जरिए वो उत्तरी गाजा को संभव है कि काटें बाकी के हिस्से से, और जिन इलाकों से आक्रमण हुआ था वहां पर खासकर अपने प्रहार को बहुत तेज करें। इजरायली सेना की तरफ से एक चरणबद्ध लेकिन संकल्पबद्ध तरीके से ये कार्रवाई चल रही है आतंक के खिलाफ। श्वेता सिंह, कैंप शूरा, इजरायल आज तक। आपने देखा कि कैसे इजरायली सेना गाजा पट्टी के अंदर घुसती है, हमास पर अटैक तेज करती है और उन हमास की सुरंगों तक पहुंच जाती है जिसमें हमास के आतंकी छिपे हैं। इजरायली सेना गाजा के इन दो अस्पतालों के करीब तक पहुंच चुकी है, जहां दावा किया जा रहा है कि गाजा के अलशिफा और अल कुद्स अस्पताल के अंदर से ही हमास की सुरंगों के रास्ते खुले हैं और यहां काफी लोगों ने शरण ली हुई। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में इजरायली फोर्स ने कितने टैंक घुसा दिए, उसकी ये तस्वीर आप देखिए। इजरायल का टारगेट गाजा के अंदर बनी सुरंगें हैं, क्योंकि सुरंगों में हमास के आतंकी छिपे हैं और इजरायली सेना सुरंगों को ही उनकी कब्र बना देना चाहती है। इजरायली सेना तोपों से गोले दागती है ताकि हमास के आतंकी बच के न जाने पाए। इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि हमास के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो मारे जाएं या फिर बिना शर्त सरेंडर के लिए तैयार हो जाएं। इजरायल की सेना गाजा में उत्तर हिस्से से घुस रही है, तो दक्षिणी हिस्से पर उसने टैंकों का जमावड़ा लगा रखा है, जबकि गाजा पर पूरब और पश्चिम से भी हमले किए जा रहे हैं। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने हमास के 600 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया, तो जमीनी हमले कर रही इजरायली फोर्स ने हमास के 300 से ज्यादा टारगेट पर आक्रमण किया। इजरायली फोर्स ने पहले गाजा में आसमान से पर्चे गिराए और कहा कि लोग इमारतों को खाली कर दें, क्योंकि अब इजरायली सेना हमास की सुरंगों पर अटैक करने जा रही है। गाजा में हमास की सुरंगों का जाल बिछा हुआ है और इजरायली बंधकों को हमास ने इन्हीं सुरंगों में रखा है। हमास की ये सुरंगें लगभग 80 मीटर गहरी हैं और 360 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के आतंकी न सिर्फ अपने सैन्य ठिकाने के रूप में कर रहे,
बल्कि गाजा और मिस्र के बीच माल और हथियारों की तस्करी के लिए एक चैनल के रूप में इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। इजरायली सेना का कहना है कि इन सुरंगों के रास्ते गाजा के अस्पतालों के अंदर से भी बनाए गए हैं। ऐसे में इजरायल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का एनिमेशन भी जारी किया और गाजा के दूसरे सबसे बड़े अल कुद्स अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया। अब इजरायली सेना इन्हीं सुरंगों पर तोपों के गोले बरसाती है। गाजा की ये सड़क बॉर्डर से 3 किलोमीटर भीतर है और इजरायल की सेना हमास पर डायरेक्ट अटैक कर रही है। शिवरूर और श्वेता सिंह के साथ राजेश पवार, गाजा बॉर्डर आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी? न्याय की नहीं है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी? न्याय की नहीं है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।